बचपन पचपन और पचानवे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर खिदमत खल्क का जो एक अहम सरिस्ता अंजाम दिया जाना है, ये मालेगांव शहर में अपनी नौजियत की एक इंतहाई मुनफरिद एनजीओ जो न सिर्फ नाम से पहचानी जा रही है बल्कि अपने काम से भी वो अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाकर रवा दवा है। आइए रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना जारी है और 10 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं। हर बंदे मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो रमजान मुबारक के मुबारक सातों में खूब खूब अल्लाह ताला की तरफ से सवाब और जो नेक काम है वो अपने हाथों से अंजाम दे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर अजीज मालेगांव को ये फख्र और ये एजाज हासिल है कि यहाँ हर दिल है वो दर्दमंद दिल है और रिजवान भाई बेटे वाला की शाना बशाना चलने वाले मिक्स स्टेट फाउंडेशन एनजीओ के ये तमाम जिम्मेदारान लायक तहसीन मुबारकबाद के काबिल है जो यहाँ पर एक अहम काम के लिए यहाँ पर आज जमा हुए हैं। शायर कहता है मेरी जमीन का मेरे आसमान का मालिक तू, मेरी जमीन का मेरे आसमान का मालिक तू, मेरी हयात के सूदो जिया का मालिक तू, हर एक राह तेरे ही यकीन से रोशन, मेरे ख्याल का वहमो गुमा का मालिक तू, तेरे ही फजल से हर लफ्ज है मेरा रोशन, मेरे कलम मेरी फिक्र वो बयां का मालिक तू, जो तू न चाहे तो मैं सांस भी ले नहीं सकता, मेरी हयात का और मेरी जान का मालिक तू। आइए उसी रब्बे दो जहां के नाम से आज की तकरीब का मुख्तसर सी तकरीब का आगाज करते हैं। मैं तिलावते कलाम पाक के लिए हाफिज इमरान अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाए और तिलावते कलाम पाक से आज की तकरीब का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. خواتین کا جو جمع غفیر ہے یہ اس بات کا غماز ہے کہ آج کا یہ جو کام یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور انتہائی نیک نیتی کے ساتھ پورے خلوص و للہیت کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ رضوان بھائی بیٹری والا جو اس این جی او کے روئے رواں ہے میک اسٹیپ فاؤنڈیشن کے روئے رواں محترم رضوان بھائی بیٹری والا کے شانہ بشانہ یہاں پر
सारे मुआवजीन है। आइए आज की इस तकरीब की सदारत का मैं ऐलान कर दूं कि आज की ये मुख्तसर सी जो तकरीब है उसकी सदारत के लिए हमारे अपने इसी वार्ड की मशहूर मारूफ शख्सियत और साबिक कॉर्पोरेटर मुहर्रम शेख कलीम शेख दिलावर साहब, जो कि बहुत ही मुखलिस है, बहुत ही मुआविन है, बहुत ही मददगार है और हमेशा समाजी कामों में बढ़ चढ़कर आप अपना दस्ते ताऊन दराज करने वाली शख्सियत है। आज हमारे अपने इस प्रोग्राम में, इस एनजीओ के प्रोग्राम में, नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन के प्रोग्राम में आप सदारत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप गुजारिश है कि इस तरफ आ जाए, बाकी लोग आप वही रुके रहे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन जो कि रिजवान भाई पेड़ोवाला की सदारत में यहाँ पर चल रहा है, बहुत ही ऐसे तरीके से शहर अजीज की नब्ज को देखकर जो है वो अपने कामों को रवा दवा किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके शाना बशाना डॉक्टर नवीद, हाफिज इमरान, मोहम्मद दानिश, इमरान रिजवान बेटे वाला जो कि रिजवान बेटे वाला के साथ जाते हैं और अलकमा पापुलर साहबा, आपका टेलर साहबा, मौलाना सुफियान जमाली, रिजवान भाई और दिगर तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है, एजाज शाहीन साहब है और हमारे फारूक फिरदौसी साहब है और बाकी काफी सलीम भाई दिलावर साहब के साथ जाकर नईम दिलावर साहब भी यहाँ तस्लीम करते हैं और जितने मुआविनीन है रिजवान भाई बेटे वाला के, ये तमाम यहाँ पर हाजिर है और आप तमाम की मौजूदगी में एक बहुत ही अहम फरीजा, एक बहुत ही अहम काम आज अंजाम दिया जाना है। आइए इस एनजीओ के कयाम का मकसद क्या है और आज के इस प्रोग्राम की गर्दोगायत क्या है, इसको समाप्त करते हैं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ रिजवान भाई बेटरी वाला को इस शेयर के साथ सहमत दूंगा कि आप माइक पर तशरीफ लाए और अगरा मकासिद भी बयान करें आज की तकरीब के। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिक्स स्टेट फाउंडेशन जो एनजीओ अदारा आपकी सरपरस्ती में जारी और सारी है, इसके अजायम क्या है, इसके अजायम क्या है और मुस्तकबिल में ये क्या क्या काम अंजाम देने वाला है ये अदारा और इसके तमाम जो काम है और फलाह उम्मत के लिए और फलाह बहबूद के जो काम है वो तमाम कामों को समाप्त करने के लिए मैं माइक जो है रिजवान भाई बेटी वालों के हाथ में देता हूँ इस शेयर के साथ कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो बहुत दूर निकलेगा। मैं रिजवान भाई बैठने वाले को गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की गर्द गायत है। आज के इस प्रोग्राम के सगो साहब, हमारे भाई अलहाज करीम दिलावर साहब, सुफियान जमाली साहब, इम्तियाज सर साहब, कारी साहब साहब, समस्त मस्जिद के इमाम साहब, हमारे एनजीओ की खास जिम्मेदार हाफिज इमरान साहब, एनजीओ के डायरेक्टर डॉक्टर नवीद साहब, शहर में खवातीन के मामले को लेकर के हर वक्त सरगर्म रहने वाली मेरी बहन अलकमा आपा, उनका गुरु, हम आप सभी लोगों का, हमारे फारूक फिरदौसी साहब, हम आप सभी लोगों का नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन की जानिब से खैर मकदम करते हैं। और ये एनजीओ क्यों बनाया गया, मालेगांव शहर के अंदर कई हजारों
खालिद साहब आ जाइए। कई हजारों सोसाइटी है, अदारे हैं, संस्थाएं हैं और हर किसी का मकसद यही होता है कि हम इंसानियत के लिए काम करें, हम लोगों को काम कैसे आए। इन तमाम बातों को हमें जमाने से देखते हुए जहन में बात चलती थी कि हम किस तरीके से लोगों की खिदमत करें। तो साथियों से मशवरा करने के बाद ये तय हुआ कि हमें एक एनजीओ बनाना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन हो और आप लोगों की दुआओं की बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट स्टेप फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्शन 8(5) में जो रजिस्ट्रेशन है इसका एनजीओ का मकसद यही है कि किसी एक जाति के लिए काम नहीं करना। आपके और मेरे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान के लिए कभी काम नहीं किया। उनके हुस्न सुलूक से, उनकी कुर्बानियों से लोग उनके ऊपर ईमान लाते थे और ईमान के अंदर दाखिल होते थे। ये उनके अच्छे इखलास की वजह से होता था और वही तालीम उन्होंने हमें दी। निकल पवार साहब आ जाइए, वही तालीम अल्लाह के रसूल ने हमें दी कि ईमान वाले का काम है कि वो इंसानियत के लिए काम करे। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान को बनाया है, जितने भी बंदों को बनाया है, उन बंदों और बंदियों के लिए काम करे। हम लोगों ने ये एनजीओ इसलिए बनाया कि किस तरीके से हम इंसानियत के लिए काम कर सके। आज हमारा एनजीओ सदर साहब हॉस्पिटल की लाइन में, आज आप हम सब देख रहे हैं, गरीब तो परेशान है लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले बहुत खुश है, अगर जो छोटा सा एक थोड़ा सा मर्ज बढ़ जाता है तो आपको कहीं नासिक ले जाना पड़ता है, कहीं दूरिया ले जाना पड़ता है, कहीं बॉम्बे ले जाना पड़ता है, कहीं औरंगाबाद ले जाना पड़ता है। कोई चीज की सुविधा इतने बड़े मालेगांव शहर में नहीं है। एनजीओ का मकसद है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए जो लोग नासिक बॉम्बे पूना जाते हैं उन्हें कहीं न जाना पड़े, बल्कि पूरे नासिक जिले के लोग आपके अपने मारे गांव में आए। ये एनजीओ का मकसद है। हम लोगों ने मेरे बहनों रिजवान बेटी वाला आप लोगों की तरह छोटा आदमी है, बहुत गरीबी से उठा हुआ इंसान हूं मैं। अल्लाह ताला मेरी वालदैन की करवट करवट मफरत फरमाए। आज जो भी हूं मैं उन्हीं की देन हूं, उन्हीं की बनिस्बत यहां खड़ा हूं, उन्हीं की वजह से जज्बा लेके चल रहा हूं। मैंने बहुत गुर्बत देखी है, बहुत गरीबी देखी है। हमारा मकसद किट बांटना नहीं है, एनजीओ का मकसद किट बांटना नहीं है कि आप लोगों को बुला के किट दे के फोटो खिंचाना, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि शहर के दिग्गज लोगों से, हम दोनों समाज के लोगों से, हमारे हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से मिल करके हम लोग एक मशवरा करें और किस तरीके से घरों में बैठी हुई माँ बहनों को हम लोग रोजगार दे सके, ये एनजीओ उस चीज की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो कर्जा नसीब माँ बहने आज इतनी परेशान है कि आज उन लोगों को अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या हालत है। बहुत सारे ऐसे अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं जो बाहर नहीं निकलते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हमारे एनजीओ के जिम्मेदारों ने कोशिश किया कि ऐसी बेवाओं को देखा जाए जिनके पीछे कोई काम करने वाला नहीं है और उन लोगों को ये किट पहुंचाई जाए। हम ये चाहते हैं, शहर के लोगों से अपील करना चाहेंगे, आप लोगों से हम अपील करना चाहेंगे। हमारा मकसद है कि एजुकेशन में जो गरीब बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, हम जानते हैं बाप पावर रूम चलाता है, रिक्शा चलाता है, ठेला गाड़ी ढकेल के सब्जी बेचता है,
हमारे ऐसे पैसे वाले आदमी जब फीस भरने की बात आती है बच्चों की तो हम लोग 10-11 से 13 हो जाते हैं, तो अल्लाह ही रहम करे कि आप लोगों का क्या हाल होगा होगा। एनजीओ का मकसद है कि जो बच्चे बच्चियां, जो टैलेंटेड बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनकी पूरी पूरी एजुकेशन लाइन में उनकी मदद करेंगे। हम उनको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जितनी भी सरकार से उनको मददें आ रही है, स्कॉलरशिप आ रही है, हर तरीके को स्कॉलरशिप उनको दिलाने की मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो बच्चों को जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम उनकी पढ़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, ये एनजीओ करने वाला है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप आज जिस मकसद से आए हो आप इस एनजीओ का हिस्सा बनिए। ये मालेगांव शहर का पहला एनजीओ है जो नेशनल गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन है। अगर जो आप लोगों का, हमारे बड़ों का साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम लोग इस शहर को एक मल्टीपर्पज चैरिटेबल हॉस्पिटल दे सकते हैं। हम इस शहर को और तमाम कॉलेज दे सकते हैं जो आज तक नहीं है। हम इस शहर के बच्चे बच्चियों को उनकी तालीम और हॉस्पिटल के लिए बहुत सारी मदद कर सकते हैं। अभी 6 दिन पहले सदर साहब, एक बच्चा जो जीवन दायी के अंदर बॉम्बे के अंदर उनका ऑपरेशन हुआ किडनी ट्रांसफर का, उनको 9 लाख रुपए का खर्च आएंगे। 9 लाख रुपए में से 6 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दी, 2,40,000 रुपया नितिन पवार साहब जैसे ऐसे ऐसे लोगों ने जैसे वैसे करके इकट्ठा किया। आखिरी में हमारे एनजीओ को कॉल किए कि भाई 60,000 रुपया कम पड़ रहा है हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे एनजीओ ने उनको मदद करी, जबकि आज एनजीओ के पास खुद नहीं है, लेकिन एनजीओ अभी तक का कम से कम 20 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल से निकाल चुका है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ में से काफी सीनियर लोग बैठे हैं, ये अपने ताजुआ रखे, रमजान का मुबारक महीना है, यहाँ कोई तकरीर नहीं करना है। आप लोगों को खाली ये बताना है कि अगर जो रिजवान बैटरी वाला, उनकी टीम, एनजीओ, शहर के जिम्मेदारान खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो वो आप लोग उसकी रीढ़ की हड्डी हो। आप लोग अगर जो साथ दोगे तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। मेरी बहन अलतमा आपका बहुत मेहनत करते रहती है, हमने उनको भी दावत किया कि अब आप सब छोड़ के एनजीओ में आइए और एनजीओ के जरिए काम करिए, लोगों का काम पहुंचाइए। इतना ही आपसे कहना था। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो हमारा जो बहने घर में सीना जानती है, हम रेडीमेड का काम ला रहे हैं, इतने बड़े पैमाने को काम ला रहे हैं कि घरों में बैठी हुई तकरीबन हजारों औरतें, हजारों कौन नसीब मेरी माँ बहने घर में बैठ के काम कर सकती है। और एक दिन का इंशाल्लाह आप लोग कम से कम 400 से 600-700 रुपया घर में बैठ के कमा सकते हैं। ऐसी जो बहने जो सीना जानती है, अपना काम करना जानती है, वो हमारे साथियों के लिए अपना नंबर दिखा दे, हमारी खवातीन बैठी है उनके लिए नंबर लगा दिखा दे। अंतरिक रमजान के मुबारक महीने में एनजीओ ये काम शुरू करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नए बेटे वाला। बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।